पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कूर्म द्वादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है। कूर्म द्वादशी पर भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण व धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कूर्म अथवा कच्छप अवतार लेकर देवताओं और दानवों की समुद्र मंथन के समय सहायता की थी। तब उन्होंने कहा था कि संसार में जो कोई स्त्री व पुरुष मेरे इस अवतार की पूजा श्रद्धा भाव से करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कूर्म द्वादशी का व्रत प्रतिवर्ष पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी व्रत के दूसरे दिन आता है, जो इस वर्ष 3 जनवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी को रात्रि लगभग 8:23 पर होगी और इस तिथि का समापन 3 जनवरी को रात्रि 10:02 पर होगा। माना जाता है कि कूर्म द्वादशी का व्रत व पूजन निष्ठा व पवित्र मन से करने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे समस्त अपराधों के दंड से मुक्ति मिल जाती है। कूर्म द्वादशी पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें, इसके बाद निर्जला रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। हालांकि जल और फल ग्रहण के साथ भी ये व्रत किया जा सकता है। व्रत का संकल्प लेने के बाद मंदिर जाकर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की पूजा करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। कूर्म द्वादशी के दिन घर में कछुआ लाने का बड़ा महत्व बताया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। घर में कछुआ रखने से आर्थिक संकट टलता है। घर के अलावा नई दुकान आदि में भी आप चांदी का छोटा सा कछुआ रख सकते हैं। हालांकि इसे घर की गलत दिशा में रखने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जीव इस दिन श्रद्धा भाव से कूर्म अवतार की कथा पढ़ता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के घमंड में आकर महर्षि मुनि ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। अर्थात ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पुष्पों की एक माला भेंट की थी, परंतु देवराज इंद्र ने उस पुष्प माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने एरावत हाथी को दे दिया और हाथी एरावत ने उस माला को नीचे फेंक दिया, जिस कारण ऋषि दुर्वासा अति क्रोधित हो उठे और इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। महर्षि के श्राप से श्रीहीन इंद्र दैत्यराज बलि से भी युद्ध में परास्त हो गए और दैत्यराज बलि का तीनों लोकों पर अधिकार हो गया। अंततः परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और इस घोर विपत्ति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग दैत्यों से संधि कर ले और उनके सहयोग से मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन करने से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर सभी देवताओं की खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और आप दैत्यों को पराजित करके पुनः स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे। किंतु ध्यान रहे, ये कार्य इतना भी आसान नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन में सहायता के लिए साथ कर लो। इंद्र दैत्यराज बलि के पास गए और अमृत के लोभ से देवताओं और दैत्यों में संधि हो गई। मंथन के लिए सभी देवता व राक्षस क्षीर सागर के पास आ पहुँचे और मंदराचल पर्वत को मथानी व वासुकी नाग को रस्सी के रूप में ले लिया और एक ओर से देवता तथा दूसरी ओर से राक्षसगण मंथन के लिए लग गए। समुद्र मंथन के प्रारंभ होने के कुछ ही समय के बाद मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में जाने लगा, जिस कारण देवता व दानवों ने मंथन को रोक दिया। सभी देवता व राक्षस ने समस्या का समाधान भगवान विष्णु से पूछा और कहा कि हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ करिए। उसके बाद भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप लेकर मंदराचल पर्वत के नीचे आसीन हो गए। तब जाकर उनकी पीठ पर समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और इसी प्रकार धीरे धीरे कीमती वस्तुएं और बहुमूल्य रत्न निकले। साथ ही अनेक प्रकार के जीव जंतु आदि की भी उत्पत्ति हुई। इसके बाद असुरों से अमृत बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान करवा के पुनः उनकी शक्तियों को प्राप्त करवाया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।